3 दिनार में तेल मिला है 28 लीटर 57 पॉइंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। हमारी गाड़ी की सिर्फ 28 लीटर तेल में आधी टंकी भरी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये 28 लीटर में आधी ही टंकी भरी है और थोड़ा सा ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नसर खान अमरोही और मैं हूँ कुवैत देश में। दोस्तों, मैं आज आया था पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुवैत में जो है तेल सस्ता है, पानी महंगा है, तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ के 1 दिनार में कितने लीटर तेल मिलता है। यहाँ पर कई टाइप, मतलब 3 तरह के तेल होते हैं, एक अल्ट्रा होता है, अरे एक नॉर्मल वाला होता है, उससे हाई नॉर्मल वाला होता है, 3 टाइप के यहाँ पर तेल होते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि 1 दिनार में कितना तेल मिलता है और मुझे डलवाना है अपनी गाड़ी के अंदर 3 दिनार का तेल। और इंडिया में जो है 1 लीटर तेल कम से कम 100 का मिलता है, यानी 100 रुपये का मिलता है, और यहाँ पर 1 दिनार में कितना तेल मिलता है वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। बने रहो इस वीडियो के एंड तक। तो गाइस, हम डलवा रहे हैं 3 दिनार का तेल और आप लाइव देख सकते हो कितना लीटर तेल मिलेगा। ऊपर जो है सेल्स आ रही है, यानी कितने का हम डलवा रहे हैं, और नीचे जो है लीटर आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मीटर, ये देखो लाइव प्रूफ, अभी 1 दिनार का आया नहीं है। 900 फिलीस 1 दिनार का आया अब, और अभी 3 दिनार का आया नहीं है। ये देखो, दो दिनार का आ गया, ढाई दिनार का भी आने वाला। तो फाइनली ये पूरा हो चुका है और इसमें 3 दिनार में तेल मिला है 28 लीटर 57 पॉइंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। हमारी गाड़ी की सिर्फ 28 लीटर तेल में आधी टंकी भरी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये 28 लीटर में आधी ही टंकी भरी है और थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। यानी ये जो है टंकी 60 लीटर की टंकी है इसकी, जो काफ़ी बड़ी है। और इंडिया में अगर हम गाड़ी की बात कर रहे हो और की, तो ज़्यादा से 40 लीटर 45 लीटर की टंकी होती है। इसकी जो टंकी है वो है 60 लीटर की टंकी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो गाइस, फाइनली हमने तेल डलवा लिया है और तेल हमने 3 दिनार का डलवाया है और 28 लीटर तेल मिला है 57 पॉइंट, यानी 28.5 लीटर तेल मिला है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। लाइव मैंने आपको दिखाया है, यहाँ जो है तेल बहुत सस्ता है। हम 3 दिनार की वैल्यू की बात करें, इंडिया में 3 दिनार बैठ रहे हैं समथिंग 800 रुपये, 800 रुपये में 28 लीटर तेल मिला है, 28.5 लीटर तेल। अब ये लगा लो कि यहाँ कितना सस्ता तेल है, यहाँ पानी भी सस्ता है और तेल भी सस्ता है। लोग कहते हैं कि यार कुवैत में पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है, भाई यहाँ पानी भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है, क्योंकि यहाँ जो अगर हम हिसाब लगा में, तो यहाँ के निया फिलीस यानी 100 फिलीस का इंडिया में 20 रुपये बैठता है। तो 20 रुपये में आप तुम 1.5 लीटर की बोतल ले सकते हो पानी की, एकदम बढ़िया ब्रांड कंपनी का। और इंडिया में 20 रुपये की आपको बिस्लेरी की बोतल भी नहीं मिलती अब भी मैं वो भी महंगी कर दी। देखा आप लोगों ने, मैंने अभी प्रूफ दिखाया कि यहाँ पानी भी सस्ता है और क्या नाम है पेट्रोल भी सस्ता है, एक ही रेट है सेम। मियाँ फिलीस का 20 रुपये लीटर तेल बैठता पानी का, सॉरी 20 रुपये लीटर तेल बैठता है इंडिया के यहाँ का। यहाँ अगर हम मियाँ फिलीस का यानी 100 फिलीस का हम तेल डलवाएंगे, तो इंडिया में जो है 20 रुपये लीटर बैठ रहा है, और हमने 28 लीटर तेल डलवाया है, तो 28 को तुम 20 रुपये से गुणा कर लो कितना बैठ रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।